ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले में मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि जिसका जो हक है उसे वो मिलेगा। साथ ही चांदना ने यह भी कहा कि देश में एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो मेहनत और पसीने से किसानी करके देश का पेट पालता है। साथ ही ये भी बता दें कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले में कैबिनेट से एजेंडा डेफर्ड होने के बाद पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था और इससे पहले उन्होंने एजेंडे का विरोध करने पर ट्वीट करके एक विशेष विचारधारा की ओर इशारा किया था। ओबीसी वो वर्ग है जो मेहनत पसीने से किसानी करके देश का पेट पालता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी वर्ग से आते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास देश में ही कि मुख्यमंत्री है जो ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिनका जो अधिकार बनता है वो देने में हमारे मुख्यमंत्री जी से आगे कोई नहीं है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।